प्रदेश में विधानसभा के चलते कुछ जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उसी के मद्देनजर आज ठेका कर्मियों ने अपनी हुकार शहीद स्मारक पर पड़ी है। ये लगातार कई दिनों से राजस्थान सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं और आज इन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक पर फिर से प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ ठेका कर्मी मौजूद है जिनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा, किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया? देखिए, राजस्थान में 1.5 लाख से ऊपर ठेका कर्मचारी कार्य करते हैं। ठेका कर्मचारी क्या होता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो वेतन सरकार कर्मचारी को देना चाहती है वो उसके बीच में अपने निजी स्वार्थ के कारण अपने व्यक्तियों को घुसाते हैं, जिनको वो ठेकेदार कहते हैं। वो 15,000 रुपये या 20,000 रुपये जिस आदमी के नाम से वेतन उठाते हैं उसको 5,000 देते हैं, बाकी सारा पैसा उस ठेकेदार के जेब में जाता है। इससे कहीं ना कहीं जाते हुए कार्मिकों का शोषण होता है, उनके मानसिक गुलामी की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि वो जा तो सरकारी विभाग में रहे हैं लेकिन वहां पर उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, क्योंकि उनको ठेकेदार का कर्मचारी कहते हैं। और इसी चीज को लेकर पिछली सरकार में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें RLSDC की घोषणा की गई थी। उसके बाद ये चुनाव हुए, नई सरकार बनी, नए मुख्यमंत्री बने, डबल इंजन की सरकार बनी है। तो हमारी मांग यही है कि अगर इंजन डबल है तो डबल स्पीड में काम होना चाहिए, जबकि काम तो बिल्कुल वहां का वहां ठप पड़ा है, केवल एक अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि 7 सीटों पर उपचुनाव है, अगर उसमें इस ठेका कर्मचारियों का अगर वो समर्थन लेना चाहते हैं तो उनकी तरफ, उनकी मांगों की तरफ एक सकारात्मक कदम उठाए, जिससे राजस्थान की सरकार ये बता सके कि ये डबल इंजन की और सकारात्मक कार्य करने वाली सरकार है। मैं मुकुल आचार्य, राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ, प्रदेश महामंत्री। सर, लगातार कई दिनों से शहीद स्मारक पर पहले भी आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, आज भी प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को आप बात पहुंचाने की, सरकार अभी तक इस पर क्या किस तरह से ध्यान नहीं दे रही, सरकार की लापरवाही हो रही है? देखो, सरकार जब से बनी है उसके बाद से लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं और सकारात्मकता उनकी तरफ से दिख रही है, लेकिन सकारात्मकता की धरातल पे हमें दिखाई नहीं दे रही है। केवल एक अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा वो नियुक्ति होनी है तो तय समय के भीतर उसकी नियुक्ति की जाए और तमाम डेटा जो कलेक्ट हो चुके हैं, तमाम व्यक्ति जो इसमें कार्य कर रहे हैं उनकी सारी सूची सरकारों के पास है, नहीं है तो आजकल ऑनलाइन जमाना है, सबका ऑनलाइन ट्रांसफर होता है जो सैलरी, तो एक क्लिक पे सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं चाहता हूं, मेरा संगठन चाहता है, तमाम ठेकाकर्मी चाहते हैं और आने वाला युवा चाहता है कि इस प्रथा को बंद करें, दलालों को हटाएं, सरकार सीधी हमसे बात करे, हम सरकार का काम करेंगे, सरकार की योजना को आगे तक ले जाएंगे। सर, उपचुनाव से पहले अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो उपचुनाव में विरोध होगा? देखिए सर, जिस प्रकार से ये प्रत्याशियों की घोषणा भी लमसम तय समय पर करते हैं, तो हम जब घोषणा करेंगे तो कुछ ऐसी कर देंगे कि गिनती समझ में नहीं आएगी, 7 में चुनाव हो रहे हैं या कहीं नहीं हो रहे हैं, क्या इनके प्रत्याशियों के साथ कुछ हो रहा है, क्या ऐसा विरोध हो रहा है जिनको ये निपट भी नहीं पाए। पर आज फिर भी मैं, क्योंकि जब सकारात्मकता की तरफ बात बढ़ती है तो इस संगठन की तरफ से सकारात्मक होकर मैं बात कहता हूं कि हमारी मांगों को आज और कल की डेट में निपटाने का पूर्ण प्रयास किया जाए, जिससे कि हम तमाम युवा शक्ति का, उनके परिवार का, उनके बच्चों का आपको वोट के रूप में लाभ मिल सके। मैम, आज शहीद स्मारक पर आपने प्रदर्शन शुरू किया है, किन किन मांगों को लेकर आप सरकार तक पहुंचाने? देखिए, मेन तो हमारी यही मांग है कि RSLDC लागू किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। भजनलाल सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि RSLDC लागू किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। देखिए, तमाम ठेका कर्मी है जो लगातार शहीद स्मारक पर सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ और ठेका कर्मियों से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज यहाँ प्रदर्शन शुरू किया है, कहाँ से आए हैं और कौन सी मांग आप सरकार तक पहुँचाने की कोशिश? हम सर ठेका प्रथा से, हम सुरक्षा गड्ढे पंचायत के, तो हमारे सर क्या है कि वो शोषण हो रहे हैं। आप बोल, हमारे शोषण कर रहे हैं, 10,000 का बिल बढ़ा रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं और उदयपुर में फांसी खा गया है ठेकेदार, पैसा टाइम पे टर्न नहीं दे रहा है, इसलिए शोषण बहुत कर रहे हैं और ठेकेदार धमकी दे रहा है तो दूसरे को लगा दूंगा, आपको निकाल दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए, सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से हम लोग आए हैं। हमारे यहाँ पे जो दुग्ध संघ है पूरे राजस्थान में ही, वहाँ पे ठेका प्रथा कई सालों से चली जा रही है। ठेका प्रथा के द्वारा जो भी हम लोग लगे हुए हैं वो पूरा काम करते हैं, उसके बाद भी, पूरा काम होने के बाद भी उनको जो वेतन मिलना चाहिए था वो वेतन नहीं करना मिलता है। राजस्थान सरकार, जो भजनलाल जी सरकार है, संवेदनशील सरकार है युवाओं के प्रति, ठेका प्रथा को समाप्त करके और हम लोगों को नियमितीकरण करें और RSLDC जो हमारा एक जो बना है, संगठन बना है, उसको भी लागू करें। भजनलाल जी सरकार से हमारी यही मांग है।
देखिए तमाम ठेकाकर्मी है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, जो आज आपने प्रदर्शन शुरू किया है, किन किन मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन शुरू किया है? हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हमें RLSDC जो गहलोत सरकार ने, पूर्व सरकार ने बताई थी, एक योजना बनाई थी कि RLSDC एक रेस्को के तर्ज पे एक कॉरपोरेशन बनाया जाएगा जिसमें समस्त प्रदेश के जितने भी ठेका कर्मचारी हैं इसके अंदर ले लिया जाएगा। इसमें बेनिफिट ये होगा कि हमारे जो बीच के ठेकेदार हैं भाई, हमें गवर्नमेंट जो थर्ड पार्टी है उसको हटा देगी, डायरेक्ट हम गवर्नमेंट की सरकारी जो कंपनी है RLSDC उससे हम कार्य करेंगे। इससे हमें वेतन में फ़ायदा होगा, हमें बढ़िया वेतन मिलेगा, और जो हमारे हक हैं भाई, हमारे CEL का, PL का, जो भी भत्ते इत्यादि जो हमें मिलना चाहिए, कर्मचारी की जो कर्मचारी को देना चाहिए सरकार को, वो हमें लागू हो जाएंगे। आज ठेका प्रथा की मैं आपको बता देता हूँ कि ठेका प्रथा के अंदर आज इतना घोटाला चल रहा है। हमने ये कई मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, अभी मंत्रियों से को भी हमने इस चीज़ की सूचना दी थी कि ऐसे में इसमें अभी लैब टेक्नीशियन जो पुराने लगे हुए थे उनको बोनस अंक देते हुए नियमित कर दिया था, और उनके एवज में अभी नए लैब टेक्नीशियन लगाए गए, उसमें ठेकेदारों ने 2-2 लाख रुपए लेके कर्मचारी लगाए थे, और ये इस चीज़ का संज्ञान खुद मंत्री जी ने, चिकित्सा मंत्री जी ने लिया है। अभी कल परसों ही एक अखबार में 1 पैसे पे टेंडर उठाए RUHS का अंदर का, सरकार क्या समझ नहीं रही इस चीज़ को? सरकार सब समझ रही है, क्या घोटाला चल रहा है? ये ठेकेदार एक मोटी रकम प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को दे रहे हैं और इनके बिल पास हो जाते हैं। मर रहा कौन है? ठेका कर्मचारी। आप ठेका कर्मचारियों का शोषण, डबल ड्यूटी करवा रहे हो आप। श्रम विभाग ने जो नियम बना रखे हैं कर्मचारी मजदूरों के लिए, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं ये ठेकेदार। ये चीजें सरकार को समझनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें बस। प्रदेश में अभी उपचुनाव चल रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आने वाले समय में आप विरोध करेंगे? भाई सरकार का हम कहती हैं कि ना तो हम भाई कांग्रेसी ना हम BJP, हमें तो जो हमारा जो भला कर देना तो हम जरूर उस सरकार के लिए सहानुभूति देंगे। मैं क्या सारे ही कि भाई जिसने हमारी जिंदगी में लाइफ अच्छा कार्य करा वो नो डाउट हम उनका फेवर करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो ये जो उपचुनाव है अभी तो क्या है कि हमारे कर्मचारी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं या दिया कुमारी जी जा रही हैं कहीं किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए, हमारे कर्मचारी जाते हैं तो उस भर्ती का, भीड़ का फायदा उठा लिया जाता है कि इतनी भीड़ आई है, जबकि हम जाते हैं मांगे लेके। आने वाले वक्त में प्रचार करेंगे ये, हम देंगे भीड़, हम जाएंगे जैसे जाते हैं, मगर हमारे हाथ में काले झंडे होंगे। कब तक प्रदर्शन जाते हैं? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। देखिए तमाम ठेका कर्मी जो लगातार यहाँ पर सुबह से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ और पदाधिकारी सर आज सुबह से प्रदर्शन किया जा रहा है, किन किन मांगों को लेकर? देखो मैन हमारी मांग यही है, RSLDC बोर्ड के लिए हम 1.5 साल से जो सरकार, मुख्यमंत्री सरकार, पिछली सरकार ने जो घोषणा करी थी उसी के लिए जब से हम लड़ रहे हैं, और ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। फिलहाल ये शांतिपूर्वक है, ये जो संख्या आप देख रहे हैं 1500 लोग जो यहाँ आए हैं, ये 2.5 लाख की संख्या है, और आने वाले समय में धीरे धीरे इस ये संघर्ष जो है एक उग्र संघर्ष होगा, और सरकार को समझना चाहिए, और इन लोगों पर जो लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए, और RSLDC बोर्ड का गठन करना चाहिए, क्योंकि सर जो आज तक जो ठेका कर्मियों का जो वेतन हो रहा है वो श्रम विभाग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उनका केवल और केवल शोषण हो रहा है, और हम इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम ये धरना प्रदर्शन आगे तक जारी रखेंगे। सुबह से आपका प्रदर्शन जारी है, वार्ता के लिए बुला हुआ है अभी तक? अभी तक हमारे पास में कोई वार्ता का बुलावा नहीं आया है, जैसे आएगा हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए तमाम ठेका कर्मी है जो लगातार सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ और ठेका कर्मी है जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर आज सुबह से आपने प्रदर्शन शुरू किया है, आपकी ऐसी कौन सी मांगे है जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए? देखिए जी, यहाँ पे जितने भी जो लोग बैठे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, सारे पूरे राजस्थान में पहले सभी डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने स्तर पर लड़ाई करते थे, जिनकी संख्याएं किसी कम थी किसी की ज़्यादा, तो उनकी सुनवाई नहीं। अब हम सब ने मिलकर एक हमारा एक संघर्ष समिति बनाई है जो सभी पूरे राजस्थान में सभी डिपार्टमेंट के ठेका कर्मी, प्लेसमेंट एजेंसी के संविदा कर्मी, वो सारे शामिल हैं, और हमारा धरने का यहाँ मकसद ये है कि जो आज तक इन कर्मचारियों का ठेकेदारों द्वारा जो शोषण करते आए हैं उन शोषण से मुक्त होना चाहते हैं, और सरकार की जो योजना है किसी भी तरह की योजना बना के इनको एक साथ किसी ठेकेदार को ठेका दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको सरकार के द्वारा सीधा वेतन मिलना चाहिए, जिससे इनको जो सरकारी नियम है वो लागू हो, इनके बच्चे आगे प्रोग्रेस करे, ये भी अपना जीवन यापन सही करे, जो आज तक नहीं चल रहा था।
चिकित्सा विभाग में लंबे समय से एम्बुलेंस चालक ठेका कर्मी के तहत कार्य कर रहे हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंची, आपने कई बार प्रदर्शन किया, क्या अभी तक सरकार ने कोई रास्ता नहीं खोला? देखिए, राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैंने आज से 2008 से लेकर आज तक खूब सारे आंदोलन किए हैं। अब हम यहाँ तक ही पहुँचे कि हमारे जो कर्मचारी है जो आज कार्य कर रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर जो आपातकालीन स्थिति में, उनको हमने थोड़ा नीचे से उठा के थोड़ा ऊपर लेके गए हैं, इतना कि समाज में उनका परिवार चल सके और अभी थोड़े स्मूथ है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। वो तो एक हमारी मजबूरी है काम करना, क्यों काम है नहीं लोगों के पास। अब हमारी ये कि मांगे कि सारे ग्रुप जितने भी सहकर्मी हैं उनको सबको सरकार कोई भी ऐसी अपना ग्रुप बना के उसके अंदर डाल के और इन सब कर्मचारियों को नियुक्ति की जाए। आने वाले समय में उपचुनाव होने जा रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या उपचुनाव में विरोध किया जाएगा? देखिए, आज अभी तो वार्ता के लिए न्योता आया नहीं है और वार्ता के लिए न्योता आने के बाद में जो भी वहाँ पे हमारे से वार्ता होगी, सकारात्मक होती है या नकारात्मक होगी, उसके बाद ही कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तमाम ठेका कर्मी हैं जो लगातार सुबह से ही शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ बंद करो।